हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनीता स्वागत करती हूँ आपका द पैसेज ऑफ रेसिपी में, जहाँ हम कुकिंग को बनाते हैं बहुत ही सिंपल और इजी। और आज हम बनाएंगे, ठंडियाँ आ गई हैं भाई, पराठे बनाना स्टार्ट करते हैं। प्याज का पराठा बहुत ही आसान, मल्टीग्रेन आटे के साथ, 2 कप मल्टीग्रेन आटा, अजवाइन, गरम मसाला, जीरा पाउडर और प्याज, फटाफट सबको मिला देना है बस। और मिर्च आप चाहे तो लाल मिर्च भी डाल सकते हैं इस जगह पे, और हरा धनिया हम डालेंगे, 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे और नमक स्वाद अनुसार डालेंगे, और इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सबसे पहले पानी बाद में डालें, पहले ऑयल को अच्छे से आटे के साथ मिक्स कर लें। जब ऑयल मिक्स हो जाए तो थोड़ा थोड़ा पानी डालें। मैं हाथ में लेके पानी इसलिए डालती हूँ ताकि ज़्यादा पानी ना गिर जाए जग से। आप भी थोड़ा थोड़ा पानी डालें, ताकि अगर ज़्यादा पानी गिर जाएगा तो फिर आटा मिलाओ, फिर और चीज़ें ऐड करो। इससे अच्छा है कि हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और आटा गूंथते जाएंगे। आटा अच्छे से गूंदना है, सॉफ्ट डो रहेगा, जैसे पराठे का हम बनाते हैं उसी तरह का डो रहेगा। और इस तरह से हम अच्छे से आटा गूंद देंगे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको आटा गूंदना कैसे लगता है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ये काम, लेकिन आप ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगता है आटा गूंदना। और हम आटा गूंथ लेंगे फटाफट। और आटा गूंथने के बाद देखिए, इस तरह से हमारा आटा गूंथ गया है। अब हम थोड़ा सा ऑयल लेंगे और आटे में अच्छी तरह से लगा के आटे को 10 से 15 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। अब ये लगभग 15 से 20 मिनट हो गए हैं, आटा हमारा सेट हो गया। थोड़ा सा हाथ में ऑयल ले लें या आटा ले लें। यहाँ पे मैं मल्टीग्रेन आटा यूज़ कर रही हूँ, आपको ये बता दूँ। तो पराठे जैसे वाइट वाइट चमकदार बनते हैं वैसे नहीं बनेंगे, और मल्टीग्रेन आटे के पराठे बहुत ही टेस्टी बनते हैं। प्याज के पराठे बच्चों को तो बहुत पसंद आते हैं, टिफ़िन में भी झटपट बन जाते हैं। थोड़ा सा आटा लगा लेते हैं और हम पराठे को गोल बेलेंगे। बहुत मोटा नहीं बेलना है, पतला ही रखेंगे, और सॉफ्ट भी बनते हैं पराठे। देखिए आप, और ये बेल कर हमने रेडी कर लिया है। अब मैं तवे पे पराठा डालूंगी और इसको पलट लेंगे। गरम तवे पे डाला था, इस पर अच्छे से ऑयल लगा लेंगे, और सेम हम दूसरी तरफ भी पलट लेंगे और इस तरफ भी ऑयल लगा देंगे। दोनों तरफ पराठे को हमें अच्छे से पकाना है, सुनहरा होने तक। हल्का सा पुश कर दें और अब हम पराठे को पलट देंगे। ये देखिए, एक सुंदर सा कलर आ गया है, आप देख सकते हैं। इस तरह से हम पराठों को दोनों तरफ पलट लेंगे, और इसी तरह हम अपने सारे पराठे, ये देखिए कितना अच्छा पराठा पका है, सारे पराठे बनाकर हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। और ये सारे पराठे बनकर हमारे तैयार हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप इनको दही के साथ खाएं, आप इनको किसी भी सब्जी के साथ खा सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि अपकमिंग वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। बाय बाय।